दरवाजा बंद करो प्लीज। दीक्षा दीक्षा स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर मैंने बताया था इंटेंसिटी पे और प्रेशर पे रहेगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है और कुछ ऐसा लेक्चर है जो नॉर्मल बुक्स के अंदर गिवन भी नहीं होता, बहुत बहुत कम बुक्स के अंदर गिवन है। तो ध्यान से सुनना और नोट कर सकते हो तो नोट भी कर लेना प्लीज। ठीक, टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बोल रहा हूं। साउंड साउंड वेव्स एज प्रेशर वेव्स, साउंड वेव्स एज प्रेशर वेव्स। जब साउंड ट्रेवल करती है मीडियम में तो हमने क्या डिस्कस किया था कि कुछ पॉइंट्स कंप्रेशन के और कुछ रेरिफिक्शन के। कंप्रेशन के यानी कि प्रेशर बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई उन मीडियम्स में। रेरिफिक्शन के यानी कि एक्सपेंशन हो गया, प्रेशर की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको अगर हम ड्रॉ करें तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं डिस्प्लेसमेंट कर्व बना रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट कर्व कैसे, जो साउंड के पार्टिकल की डिस्टर्बेंस होगी वो तो डिस्प्लेसमेंट वाइज होगी। मान लो कुछ इस तरीके की डिस्टर्बेंस बना रहा हूं मैं। लेट से ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। डिस्प्लेसमेंट है ये, साउंड ऐसे मूव नहीं कर रही, साउंड मूव कर रही है एज अ लॉन्गिट्यूडनल। ये तो बस एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि वाई की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज होती जाती है, तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से साइनोसॉइडल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक, और वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन साउंड की क्या थी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या टू पाई बाय लैम्डा इनटू वी टी माइनस एक्स, जो मर्जी बोल लो एक ही बात है। लेकिन इन एक्चुअल डायग्राम बनाऊं तो आपको याद होगा मैंने पहले भी एक बार ड्रॉ करके दिखाया था, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है या ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको याद होगा आपने डिस्कस किया था कि ये जो पार्टिकल है इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो पार्टिकल है ये इस ए पॉइंट के पास आएगा और ये पार्टिकल ए पॉइंट के पास आएगा इस तरीके से। बिकॉज एक केस में लेट से ये वाई एक्सिस है मेरा, जो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पर वो सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हम जो वाई की वैल्यू को मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर वाई पॉजिटिव है, यहाँ पर वाई नेगेटिव है। तो लेट से ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है। तो कहने का मतलब कि हमने एक बार पहले रिप्रेजेंटेशन की थी कि जो ए पॉइंट है वो एक पॉइंट होगा किसका, कंप्रेशन का। ठीक, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंप्रेशन जहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अब सपोज करो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर वाई नेगेटिव है, इस पॉइंट पर ये वाला पार्टिकल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। कहने का मतलब कि जब मैं इस पार्टिकल को यहां लेके आऊंगा तो इसका वाई पॉजिटिव है, इट मींस इसकी डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगी। यहां पर जब इस पार्टिकल की रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगी, तो इसका मतलब इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं पार्टिकल, तो बी इज द पॉइंट ऑफ, ये आपका कंप्रेशन है तो ये आपका रेरिफिक्शन है, तो इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू यहां पर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है यहां पर, हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था ये कि प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ पॉइंट पर प्रेशर एकदम इंक्रीज हो जाएगा, कुछ पॉइंट पर एकदम कम हो जाएगा। तो जहां पर बहुत इंक्रीज हो जाएगा कंप्रेशन होंगे, जहां पर डिक्रीज हो जाएगा वो रेरिफिक्शन। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली हमने प्रेशर की कोई वेरिएशन नहीं सीखी, आज मैथमेटिकली भी है। तो सपोज करो एक मिनट के लिए मैं एक पॉइंट चूज करता हूं, सपोज वो ये पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, देखो ये कंप्रेशन है, ये रेरिफेक्शन है, ये भी कंप्रेशन है। यहां पर अगर आप इन पार्टिकल्स की बात करो जो बिल्कुल इमीडिएटली इसके लेफ्ट और राइट पर हैं, तो जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है। ठीक है ना यहां तक, या इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पर अगर आप नीचे देखो, यहां से देखो, ये कंप्रेशन का एरिया और ये रेरिफेक्शन का एरिया, यहां पर ना तो पूरी तरह कंप्रेशन होगा ना पूरी तरह रेरिफेक्शन होगा, एक नॉर्मल पॉइंट होगा। नॉर्मल पॉइंट समझते हो, नॉर्मल पॉइंट का मतलब ना तो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के बीच में,
हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क होता हो, वो अलग बात है, बट इतना प्रेशर इंक्रीज नहीं हो सकता जितना कंप्रेशन में होता है, और इतना एक्सपेंशन भी नहीं हो सकती जितनी रेरिफेक्शन में हो सकती है। तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो नॉर्मल प्रेशर होगा, जिसको बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, एक पार्टिकल का जो आम प्रेशर होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब कहने का मतलब कि अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से अलग अलग प्रेशर की वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप कोई पॉइंट थोड़ा सा इधर ले लेते हो या इधर ले लेते हो तो यहाँ प्रेशर में बता नहीं सकता कितना होगा, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर तो कंप्रेशन के पास कोई पॉइंट है तो वहां प्रेशर कंप्रेशन जितना तो नहीं लेकिन कंप्रेशन से थोड़ा सा कम होगा। रेरिफेक्शन के पास अगर जाओगे, कोई पॉइंट रेरिफेक्शन के अंदर है तो वहां प्रेशर सबसे कम होगा। थोड़ा सा दूर चले जाओगे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और दूर जाओगे तो कंप्रेशन ही आ जाएगा। यानी कि प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, क्योंकि कंप्रेशन के बाद रेरिफेक्शन के बाद कंप्रेशन के बाद रेरिफेक्शन रिपीट होता जा रहा है। तो एक तो ये वेरिएशन है जो आपको समझ आनी चाहिए, पहला पॉइंट। लेकिन हमने इसको थ्योरेटिकली ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, आज इसको मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। एंड फॉर मैथमेटिकल प्रेशर वेरिएशन इन अ साउंड वेव, सपोज करो आपने एक मीडियम लिया, लेट से ये एक मीडियम है, आपने इनक्लोज्ड कोई बॉडी ली, क्योंकि देखो जब साउंड ट्रेवल कर रही है ना तो वो तो हर जगह ट्रेवल कर रही है, तो मेरे को थोड़ा सा ना एक लिमिट लगाना पड़ेगा, कुछ वॉल्यूम वाइज कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं जब एक साउंड ट्रेवल कर रही है तो प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज्यादा, तो अभी तो प्रेशर चेंज हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम इज चेंजिंग। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह का वॉल्यूम निकालना हो तो जब तक मैं शेप डिफाइन नहीं करूंगा मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा। तो मैंने एक शेप डिफाइन कर ली कि मेरा साउंड इसके अंदर ही ट्रेवल करेगा, जो भी करेगा जो साउंड की वेरिएशन है वो इसके अंदर ही होगी। और सपोज मैंने एक पॉइंट लिया, ये रहा वो पॉइंट सपोज एक्स कोऑर्डिनेट में, एंड साउंड इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से वी, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका लेट्स से कितना है एस। ठीक, जो साउंड है मान लो साउंड की जो वेरिएशन थी वो पहले एक्स तक पहुंची, मान लो ये पार्टिकल्स हैं, चलो ऐसे अज्यूम कर लो साउंड की वेरिएशन बाद में पहुंची, मान लो ये पार्टिकल्स हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है। हुआ क्या, ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो गए बाय डीएक्स, ये पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो गए बाय डीएक्स। क्यों डिस्प्लेस हुए, क्योंकि जब साउंड क्रॉस करेगी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगी, तो ये पार्टिकल लेट्स से डीएक्स डिस्प्लेस हो गए। तो इस पोर्शन का अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वॉल्यूम क्या होगा, डीएक्स तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, थोड़ा छोटा ज्यादा बन गया मुझसे, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं कि ये रहा डीएक्स, तो लेट्स से ये पूरे का पूरा यहां से लेके यहां तक लेट्स से दिस इज डीएक्स, तो एक्स पोजिशन डीएक्स जो मान लो कि जो इसका वेरिएशन है वो डीएक्स वेरिएशन है, या फिर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे जाके, क्योंकि दो चीजें इसमें ना इकट्ठी चल रही हैं, इसमें डीएक्स भी चलेगा इसमें डीवाई भी चलेगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका वॉल्यूम पूछूं, वॉल्यूम तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एस इंटू डीएक्स। इस पूरे जो मैंने शेड किया इसका जो वॉल्यूम है वो कितने एस इंटू डीएक्स है। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे अज्यूम करो, चलो मान लो आपने दो पोजीशंस कंसीडर कर ली, एक पोजीशन वन है एक पोजीशन टू है, तो पोजीशन वन का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, पोजीशन टू का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डीएक्स है। अब ठीक है, मान लो दो पार्टिकल्स हैं, मान लो कि एक पोजीशन एक्स वन है एक पोजीशन टू है, वन पे भी पार्टिकल्स पड़े हुए हैं टू पे भी पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। ऐसे ज़ूम करो, वन के ऊपर भी पार्टिकल्स हैं एंड टू के ऊपर भी पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो इन पार्टिकल्स का कितना वॉल्यूम है, एस इनटू डीएक्स, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया, यहां तक क्लियर है आकृति, अंकित, आर्यन, भारती, चिराग, ध्रुव, रोहन, रोहित, रोनित, विकास कुमार, सपोज
देखो सपोज मैं क्या करने वाला, ध्यान से देखना, पार्टिकल टू वाले पार्टिकल्स को नहीं देखना अभी दो मिनट के लिए, वन वाले पार्टिकल को देखना है। तो वन वाले पार्टिकल्स लेट से डिस्प्लेस हो गए बाय एन अमाउंट डी वाई, बहुत छोटी वेरी, मतलब डी एक्स के अंदर भी मैं क्या लेके आ रहा हूं, डी वाई लेके आ रहा हूं। ठीक, आप ये मत सोचो कि डी एक्स के अंदर डी वाई, आप ऐसे सोचो कि वन और टू पार्टिकल के बीच में मान लो वो मूव नहीं कर रहे, तो वन और टू पार्टिकल अपनी जगह पे हैं, वन पार्टिकल मूव कर गया, हाँ नो डाउट टू भी मूव कर गया, पर मैं एक टाइम पे एक ही वेरिएशन स्टडी करूंगा। वन पार्टिकल मूव कर गया बाय डी वाई, मान लो एक मिनट, कोई प्रूफ नहीं करना आपने, डोंट वरी, आप सिर्फ आराम से बैठ के एंजॉय करो, कोई नहीं आपसे इसका प्रूफ मांगने वाला, पर जो एंड में रिजल्ट आएगा बस वो आपको याद रखना है। ठीक, प्रूफ सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि प्रूफ्स कहां से आ रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए। तो अगर मैं किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है, वन पार्टिकल जो भी वन लाइन पर जो पार्टिकल थे उनकी वाई की डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, कोई भी एक पार्टिकल है वो कैसे डिस्प्लेस होगा, अकॉर्डिंग टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टी एक्स। अब सपोज करो मैंने क्या कहा कि ये जो भी पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं दे विल बी डिस्प्लेस बाय डी वाई, और अगर ये डी वाई डिस्प्लेस हो गए तो डी वाई कैन बी कैलकुलेटेड, वो कैसे, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो कैसे, डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट कर लेना, डी वाई बाय डी एक्स जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आपके पास आंसर आएगा माइनस ए इंटू के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, करके दिखा देता हूं, इसमें कुछ करना नहीं है, वैसे जो y है डी वाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू को यहां पुट कर देना है जो कि कितनी है a साइन ऑफ कितनी ओमेगा टी माइनस के एक्स, a कांस्टेंट है, साइन ऑफ ये फंक्शन क्या बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ ये पूरे का पूरा फंक्शन इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्या करेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी एक कांस्टेंट है। अब आप कहोगे कि ओमेगा टी कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स के लिए तो टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कैलकुलेशन हो रही है, एंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टाइम को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, और मेरे पास क्या बच गया डीएक्स बाय डीएक्स क्या बचेगा वन, साइन की सॉरी कॉस प्लस होती है, यहां से माइनस के आएगा सॉरी, तो माइनस के आगे चला जाएगा तो आपके पास सेम आंसर आएगा। तो लेट से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया और डीएक्स को मैं राइट साइड पे ले गया तो मेरे पास डीवाई की वैल्यू आ गई, मतलब जब मेरा एक और दूसरे पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस dx है तो फर्स्ट पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंगली आप ये कह सकते हो, देखो एक वेव की इक्वेशन में x क्या होता है, एक वेव की इक्वेशन में x का मतलब है कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे पार्टिकल है, y का मतलब क्या होता है कि जब साउंड उसमें से ट्रेवल करेगी तो वो कितना डिस्प्लेस होगा। तो अगर तो आप x और y की फॉर्म में बात करते हो तो ये x है और ये क्या है, ये y है, कि अगर x पोजीशन पे जाते हो, x पोजीशन पे जाते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वाई की कितनी वैल्यू है, पर मुझे एक्स और वाई में काम नहीं करना, मुझे क्या करना है कि अगर मेरा कोई पार्टिकल दो पार्टिकल के बीच में या एक पार्टिकल डीएक्स डिस्प्लेस होता है या अगर पोजीशन का डिफरेंस डीएक्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली डीवाई कितना होगा। तो मैंने डीवाई निकाल दिया कि मेरा एक पार्टिकल कितना डिस्टर्ब होगा डीवाई, कब, जब उसमें से क्या पास करेंगे, साउंड पास करेंगे, ये साउंड तो ट्रेवल कर रही है जिसकी वजह से प्रेशर की, जिसकी वजह से पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया बाय डीवाई, dy कौन सा पार्टिकल, वन वाला पार्टिकल, जो वन वाले पार्टिकल्स हैं दे आर डिस्टर्ब बाय dy, और वन और टू के बीच में डिस्टेंस कितने हैं dx है। अब ध्यान से देखो मैं इसमें क्या कैलकुलेट करने वाला हूं, वॉल्यूम कंप्रेशन, वॉल्यूम कंप्रेशन इन लेंथ dx। देखो फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल में डिस्टेंस कितना लिया था मैंने dx, तो मुझे एक चीज बताओ कि वॉल्यूम कंप्रेशन का मतलब डीवी, वॉल्यूम कंप्रेशन का मतलब डीवी, जिसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने ये टोटल वॉल्यूम कितनी बताई थी एस इंटू डीएक्स, ठीक है ना, यहां तक मैंने टोटल वॉल्यूम जो बताई वो एस इंटू डीएक्स बताई, लेकिन मैं यहां पर ये वी है, इतने एरिया का टोटल वॉल्यूम कितना है, ये वी है, मैं वी नहीं निकालना चाहता, मुझे मालूम है कि पहले और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो वी है, वॉल्यूम जो है वो वी है, मेरे को वो नहीं निकालना, मुझे ये निकालना है कि जब साउंड ट्रेवल करेगी प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो जब मान लो पार्टिकल्स पास आएंगे, जब पास आएंगे
तो dx की जगह डिस्प्लेसमेंट कितनी हो चुकी है, dy हो चुकी है, dx की जगह dy हो चुकी है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम पूछूं तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया s इंटू dx, नहीं सरफेस एरिया इंटू dy। मान लो एक मिनट के लिए अज्यूम करो कोई पार्टिकल मूव नहीं करता, अगर मूव नहीं करता तो dy क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, पार्टिकल की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, और अगर dy जीरो होता है तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, एंड इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इसका मतलब साउंड ट्रेवल ही नहीं की। ठीक बोल रहा हूं, उल्टा बोले जब साउंड ट्रेवल कर गई प्रेशर बढ़ गया किसी पॉइंट पर, प्रेशर बढ़ गया पार्टिकल पास आ गए, पार्टिकल पास आ गए पहले पार्टिकल कितनी पास थे dx, अब पार्टिकल कितनी पास आ गए dy, पहले वॉल्यूम कितना था s into dx, अब वॉल्यूम कितना है s into dy। ठीक हो गया यहां तक, तो आपके पास दो टर्म्स आ गई, एक आपके पास dv आ गया s into dy, एक ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया s into dx। क्योंकि ये कंप्रेशन का केस है तो बीच में एक चीज आनी चाहिए जिसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, चेंज इन प्रेशर अपॉन dv अपॉन v। क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है तभी तो सब कुछ, बल्क मॉडुलस तभी आ रहा है ना, बिकॉज देयर इज सम चेंज इन प्रेशर। सो दिस इज चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, जो साउंड की वेरिएशन की वजह से जनरेट हो रहा है, या फिर आप एक काम करो आप डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब डीवी एक ही बात है, डीवी या डेल्टा वी वन इज द सेम थिंग, डीवी अपॉन वी की वैल्यू जरा कैलकुलेट करना, डीवी अपॉन वी की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, एस इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई एस इंटू डी एक्स में से कैंसिल कर दूं, क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो ये मैंने जब डिफ्रेंशिएट किया था तो मेरे पास डी वाई आया था और क्या आया था, डी एक्स आया था, मैं यहां से रेशियो निकाल सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, ये रेशियो आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की जो रेशियो आएगी वो ये आएगी। तो इसका मतलब ये मैंने क्या निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया dv अपॉन v की वैल्यू। ये पॉइंट सबको समझ आ रहे हैं, आइडिया क्लियर है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से मैं अगर वैल्यू निकाल दूं dy अपॉन किसकी, dx की वैल्यू निकाल देता हूं, तो मैं उस dy अपॉन dx की वैल्यू को यहां पुट करना चाहता हूं, तो जब मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो dv अपॉन v की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी माइनस a k cos of ओमेगा t माइनस एक्स, क्योंकि बल्क मॉडुलस मैंने बताया डेल्टा पी डिवाइडेड बाय माइनस डीवी अपॉन वी, डीवी अपॉन वी की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू बी ए के इन टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज हो रहा है बल्क मॉडुलस की वजह से, कंप्रेशंस की वजह से या एक्सपेंशंस की वजह से, क्योंकि मैंने जो केस लिया वो मैंने केस एक्सपेंशन का नहीं लिया, मैंने केस कंप्रेशन का लिया, क्योंकि ओरिजिनल डिस्टेंस dx था, मैंने डिस्टेंस कितना कर दिया dy कर दिया, मैं तो कंप्रेशन किया है ना, तो इसलिए मैंने साइन नेगेटिव साथ काम किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रेशर की वेरिएशन आ गई। जरा ध्यान से देखना जो प्रेशर की वेरिएशन है उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी बी ए के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी नॉट कॉस ऑफ ये रहा, पी नॉट का मतलब है, डेल्टा पी नॉट का मतलब मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, तो वेयर वेयर डेल्टा पी नॉट is equal to b into a into k, इसको बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, प्रेशर एम्पलीट्यूड समझते हो, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं है ये, प्रेशर एम्पलीट्यूड है, जिसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम प्रेशर, ये मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक, ठीक फॉर्मूला याद रहेगा, मैक्सिमम प्रेशर का फॉर्मूला बी ए के, बी फॉर बल्क मॉडुलस, ए फॉर साउंड का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और के फॉर टू पाई बाय लैम्डा,
वो वेव की इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस के एक्स, के का मतलब 2 पाई बाय लैम्डा। सो नेक्स्ट स्टेप है डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू बी ए के, या फिर डेल्टा पी नॉट इज बी इंटू ए इंटू 2 पाई बाय लैम्डा। ये भी फॉर्मूला याद रखना, मतलब कभी ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए। नेक्स्ट स्टेप है, और हमने डिस्कस किया हुआ है वेलोसिटी साउंड की क्या होती है, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, याद है ना लैपलेस इक्वेशन न्यूटन लॉ यही था ना। नेक्स्ट है और बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इनटू रो, और इस बी को उठा के मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो डेल्टा पी नॉट की वैल्यू क्या जाएगी, वी स्क्वायर रो ए के। ये भी प्रेशर एम्पलीट्यूड है, ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, या फिर हमने डिस्कस किया हुआ वेलोसिटी को लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन के, के का मतलब क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, जब हमने वेव की इक्वेशन फॉर्मुलेट की थी मैंने वेलोसिटी की वैल्यू बताई थी। आप ऐसा कर सकते हो, इसमें आप वेलोसिटी की वैल्यू को उठा के आप यहां पुट कर सकते हो, डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक और फॉर्मूला आ गया, जैसे मर्जी घुमाते रहो, जो गिवन होगा क्वेश्चन में वैसे घुमा लेना है, बट प्रेशर वेरिएशन क्लियर है, ठीक समझ आ रहे हैं यहां तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया हुआ है उसका आंसर दो, ठीक सुन ली सारी कहानी, कोई रट्टा नहीं कुछ नहीं, बस ये बताओ जब एक साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल हवा में मूव करती है, ठीक डिस्प्लेसमेंट में और प्रेशर में फेज चेंज कितना होता है, 5/2 फेज डिफरेंस कितना होता है डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर में, बिल्कुल सही 5/2, क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अगर आप प्रेशर की इक्वेशन लिखते हो पी की तो यहां पर पी नॉट लिखते हो, लेकिन यहां पर क्या लिखते हो, और हमने डिस्कस किया हुआ है एक साइन फंक्शन है एक कॉस फंक्शन है, फेज डिफरेंस कितने है 5/2, समझ में आई बात, उसी स्टूडेंट का ठीक हुआ होगा जिसने सारी कहानी सुनी होगी, नहीं तो सारे ऑप्शन एक जैसे देखेंगे उसमें, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट इसमें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत छोटे छोटे, लेकिन अगेन जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये तो एक क्वेश्चन है, अब पता नहीं कौन सा ट्रिकी क्वेश्चन दूसरा आ जाए, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि ये कहां से आ रहे हैं, हो सकता है कहां से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक।
बैठ जाओ दो मिनट और, कोई बात नहीं। क्लास है, किसी क्लास है अभी? ठीक है, एक और आया हुआ क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओ, फिर चले जाना इंटेंसिटी में, नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, लो करो। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ट्रांसवर्स वेव इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, राइट फंक्शन फॉर दिस वेव पल्स आफ्टर टाइम टी गिवन वेलोसिटी इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। मेडिकल में ज्यादा चांस है आने का, फंक्शन फंक्शन ज्यादा यूज कर रहा है ना, कर सकते हो तो करो, कोई बात नहीं, मेडिकल में जो है, नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से बैठो, बाकी करो भाई, आपको तो आता है ना कुछ। देखो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ट्रांसवर्स वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, आपको बताना है टी टाइम के बाद इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, वेव की इक्वेशन क्या होगी। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना हुआ है ना, तो एक सेकंड का क्वेश्चन है सर। बहुत बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बारीक, मतलब जब मैंने वेव फंक्शन बनाना सिखाया था ना उस लेक्चर में से क्वेश्चन आए, जब वेव की इक्वेशन याद है बनानी सिखाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेव की इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वी टी, याद है मैंने प्रूव किया था, कोई भी वेव की इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वी टी। तो अगर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये इक्वेशन है, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकेंड कुछ भी नहीं करना, जहां एक्स है वहां एक्स माइनस वी टी कर देना है और कुछ भी नहीं करना, आंसर आ गया। वेव फंक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो मेरी इक्वेशन तो वही बनी ना, लेकिन किसी भी टाइम पे जो वेव की इक्वेशन है, ट्रांसवर्स वेव का जो ट्रांसवर्स वेव की जो इक्वेशन बनेगी, उसमें x अकेला कभी नहीं होगा, उसमें x माइनस हमेशा vt होगा, प्रोवाइडेड अ वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो वेव इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर यही क्वेश्चन होता, इफ वेव इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो यहां पर x माइनस vt की जगह x प्लस vt करना है और कुछ नहीं करना। ठीक, यहां तक समझ आ रहा है? जल्दी है, दो चार मिनट है, चलो फिर इंटेंसिटी, बस दो मिनट लूंगा, बस चुप रहना, एक बार बात मत करना। इंटेंसिटी एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, इंटेंसिटी और प्रेशर एम्पलीट्यूड अभी हमने किया, तो क्या रिलेशन है? मुझे पता है कि वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है इज गिवन बाय ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास किसकी वेलोसिटी आ जाएगी? पार्टिकल की वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है? पार्टिकल की। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डी बाय डी टी ऑफ व्हाट? वाई। पार्टिकल की वेलोसिटी इज डी बाय डी टी ऑफ वाई की जगह क्या पुट करेंगे? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पार्टिकल की वेलोसिटी सॉल्व करने पे आ रही है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। सॉल्व करोगे आपके पास ये आ जाए। तो मैंने क्या निकाल दी? पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक। मैं पार्टिकल की वेलोसिटी क्यों निकाल रहा हूं, मैं आपको इसका आंसर देता हूं, क्योंकि मेरे को क्या निकालनी है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पावर अपॉन एरिया। पावर का मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या आएगी? वेलोसिटी। आगे ना बात वहीं पर, तो वेलोसिटी से निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना यहां तक? तो देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, तो और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं, तो हाफ इंटू रो इंटू
पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर, देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी अकेली निकल सकती, क्योंकि जो पार्टिकल है वो किसका पार्टिकल है, वो पर यूनिट वॉल्यूम का ही निकालना पड़ेगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो हाफ एम वी स्क्वायर नहीं करना कभी भी इसमें, हाफ इंटू रो इंटू वीपी स्क्वायर करने, वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ इंटू रो इंटू वीपी की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स का स्क्वायर, हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर रो इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूं एक टर्म की जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे बुक्स में, एनर्जी डेंसिटी। तो ये जो टर्म है, जो आगे टर्म लगी हुई है, इस एनर्जी डेंसिटी का मतलब सुन लो पहले क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी इज मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर आपकी एनर्जी इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली वेरिएशन शो कर रही है, ये जो मैंने टर्म लिखी इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एनर्जी। कॉस के या साइन के आगे जो भी टर्म होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो आपके पास क्या आएगा इसमें, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इनटू वी। ठीक, ये चीज क्लियर है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब मैक्सिमम जब एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट रिजल्ट है इसमें। एनर्जी डेंसिटी के बाद नेक्स्ट स्टेप लिखो, सपोज एनर्जी एसोसिएटेड विद वॉल्यूम एस इंटू डी एक्स। याद है हमारे पास जो हमने वॉल्यूम लिया था वो ओरिजिनल कितना था, एस इंटू डी एक्स था। वी वॉल्यूम के अंदर मैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी की वैल्यू निकालने जा रहा हूं कि एस इंटू डी एक्स में पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी है। तो मैं क्या करूं, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट ओनली एनर्जी, तो मैं एनर्जी डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम, क्योंकि यू का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, हाफ इंटू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एस इंटू डी एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, चेंज इन एनर्जी, कि डी एक्स लेंथ में देर इज सम चेंज इन एनर्जी। और वो एनर्जी क्यों चेंज हो रही है, इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहे हैं। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी हो रही है, उस वेलोसिटी से क्या हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है, और वो इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, आता नेक्स्ट स्टेप है इसमें, नेक्स्ट स्टेप है मैं पावर निकालने जा रहा हूं। पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है आदत, और कोई बताएगा dx by dt क्या होता है, किसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की, ना ना, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या थी, y। तो पार्टिकल की वेलोसिटी है dy by dt, dy by dt, dx by dt क्या है, साउंड की वेलोसिटी। दो वेलोसिटीज होती हैं, एक साउंड की वेलोसिटी, x एक्सिस में कौन मूव कर रहा है, साउंड मूव कर रही है, और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट dy है या y है। ठीक है ना, जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी, और जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेव की वेलोसिटी। तो सिंपली मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, v dx by dt की जगह साउंड की वेलोसिटी जो कि हम v लिख रहे हैं। तो मेरे पास पावर की वैल्यू आ गई, पावर इज हाफ इंटू रो इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू एस। पी इज नॉट प्रेशर, पी इज पावर। फाइनली हमने लास्ट टाइम किया था, इंटेंसिटी क्या होती है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया कितना चल रहा है हमारा एस। तो पावर इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू रो इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाय एस। एस से एस क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, इंटेंसिटी की। साफ पता लग रहा है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जो मैं बहुत कम से कम 20 दिन हो गए मेरे को, ये दो चार बार तो मैंने रिजल्ट यूज किया हुआ है इन दिनों में, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का।
स्क्वायर, याद है हमने लास्ट टाइम भी तो यूज किया था ये रिजल्ट, ठीक है यहां तक। और फाइनली फाइनली एक तो ये रिजल्ट आ गया, दूसरा मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम ये प्रेशर है कैन बी रिटन एज रो वी ए इंटू ओमेगा, पिछली इक्वेशन में हमने निकाला, यहां से ए कैन बी कैलकुलेटेड टू बी पी नॉट प्रेशर अपॉन रो वी इंटू ओमेगा, इंटू ओमेगा एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई, इसको उठा के आप यहां पुट कर सकते हो नहीं तो इंटेंसिटी में पुट करो, यहां मत पुट करो, आई की जगह पुट करो, तो इसको उठा के आप यहां पुट करो, ए की वैल्यू को यहां पुट करो, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, जब आप ए की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, कितना हाफ इंटू रो इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ए की जगह क्या पुट करने वाले हैं, प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर पी नॉट रो वी इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू पी नॉट का स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर वी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक रो से रो भी कैंसिल हो गया, एक वी से वी कैंसिल हो गया, तो निकाल लेना यहां से जो भी आंसर आएगा बस, तो प्रेशर का और इंटेंसिटी का मैंने रिलेशन निकाल दिया कि प्रेशर और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, आइडिया क्लियर है यहां तक, देखो कोई स्कूल में आपसे लिखवा के देखने वाला है नहीं, हाँ लेकिन और बुक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल बुक्स में तो ये एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं गिवन होंगे, कोई एक आध किताब होगी जिसमें ये वेरिएशन गिवन है, एचसी वर्मा के अंदर भी नहीं गिवन है, ठीक। तो ये वो लेक्चर्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूरी हेल्प करेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, एक शॉर्टकट लिखे होते आगे, ये पढ़ लेना इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड, आप याद करके चले जाओगे, क्वेश्चन इधर से उधर जरा सा भी हो गया क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, ये चीज क्लियर है। मेरा एक दो टॉपिक और पढ़े हैं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करूंगा इसके साथ ही।